शुरुआत में हर किसी के सच ही निकल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब यह बोला कि कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो हम यहां पर एनडीटीवी इंडिया के इस कार्यक्रम के माध्यम से दावे के साथ ये कह सकते हैं कि वो गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्होंने झूठ बोला। स्मियर इंजेक्शन जो है, सवाल यह आता है कि पिछले 15-16 महीने से कोरोना चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अमित मोहन प्रसाद अपर मुख्य सचिव जो स्वास्थ्य हैं, उन्होंने टेंडर नहीं होने दिया दवाओं का, उन्होंने तैयारी क्यों नहीं की जब देश के दूसरे राज्यों ने खरीद खरीद के दवाएं रख ली, रेमडेसिविर रख लिया, इंजेक्शन तमाम सारी कोरोना की दवाएं रख ली, यूपी में नहीं आई। सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की फिलहाल कोई किल्लत नहीं है, हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है, लेकिन जो तस्वीर है वो कुछ और ही बयां कर रही है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए कि ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर के तमाम सारे लोग हैं जो लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं, और जहां पर कैमरे के माध्यम से आपकी नजर जाएगी वहां पर आपको ये तमाम सारे लोग अपने ऑक्सीजन को रिफिल कराने के लिए यहां पर लाइन में लगे हुए नजर आएंगे। जब नोटबंदी से लाइन शुरू हुई थी, अब तो शमशान घाट तक लाइन लगी है। मुखिया, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कोई शॉर्टेज नहीं। दो दिन से मैं जो है ना जद्दोहद कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। योगी जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, मुझे तो लगता नहीं कहीं ऑक्सीजन है। देखिए, इंतजाम सब नाकाफी है, सरकार के दावे चाहे जितने हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेड सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही लोगों को, लोग परेशान हैं जी। जो प्रदेश ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करता था, उस प्रदेश में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है भर्ती होने के लिए। उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है, इसका सबूत ये है कि बीजेपी के ही नेता अपने ही सिस्टम पर सवाल उठाने लगे हैं। अपने भाई को खोने वाले बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा है कि लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑक्सीजन बेड होने के बावजूद मरीज की सांस कहीं लोहार और पतोहू कहीं सोनार, और ना तू कहो हमार ना हम कहीं तुहार, तो ये बीजेपी का हाल है। इनके भीड़ बहुत ज्यादा है लोगों में, और आप देखिए कि यहाँ पर लंबी लंबी लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है, और लोगों का आम तौर पे ये कहना है कि फिलहाल जो ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल करने के लिए जो यहाँ पर आरके गैस प्लांट है, यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि फिलहाल यहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है। तो कमोवेश जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, फिलहाल वो तस्वीर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि वो कब से लगे हैं लाइन में ऑक्सीजन के लिए? सर यहाँ पे लगे 3 बजे रात से। क्या कह रहे हैं ये लोग? अभी मिल जाएगी, कह रहे मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, मिल जाएगी। अभी गाड़ियाँ आती है बाहर से, आती अंदर चली जाती है लगती गाड़ियाँ, फिर बाहर भर के चली जाती है। लोग देखिए, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, बाहर से गाड़ी आती है। कल 6 बजे से आए हैं, अभी तक मिली नहीं है। बड़ी गाड़ी आती है, वो अंदर घुस जाती है। गाड़ी आती है बाहर से, आती है लगती चली जाती है। यारो, हम तो राजकुंवर हैं पीड़ा वाले गाँव के, और चलते चलते लब तक आ गए अब छाले अपने पाँव के, और अलविदा कहते हुए जो तुम दे गए निशानी, दिल में दर्द, रूह में तड़प और आंखों में है अब पानी।